हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएम ऑयल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी। आई एम विनोद मठपति, योर आर्ट टीचर। बच्चों, आज हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीखने वाले हैं। इसमें मैं एक पेपर पे फ्री हैंड बाउल का ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ। हमें सेम टाइप के दो बाउल ड्रॉ करना है। पेंसिल से मैंने हल्के हाथों से पहले एक दो बाउल ड्रॉ किया है। अब फर्स्ट वाला जो बाउल है उसमें मैं पेंसिल शेडिंग करूँगा। मैंने यहाँ पे सादी पेंसिल लिया है, इससे मैं बाउल को शेडिंग कर रहा हूँ। इस तरीके से बाउल के एक साइड में मैं डार्क टोन फिलअप कर रहा हूँ। हल्के हल्के हाथों से बाउल को वन साइड से डार्क से लाइट करते हुए फिलअप करना है। इस तरीके से मैं पेंसिल से फिलअप कर रहा हूँ और उंगली से उसे मिक्स पेंसिल से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, वरना हमारा जो ड्राइंग शीट है वो फट सकता है। इस तरीके से हमें हल्के हल्के हाथों से शेडिंग करना है। एक साइड डार्क और एक साइड लाइट होना चाहिए। मैंने अभी जिस तरीके से फिलअप किया है ऐसे फिलअप करना है, उंगली से उसे मिक्स कर देना है। अब ये हो गया बाउल के बाहर के साइड जो लाइट्स आता है, उस तरीके से मैंने इस पे पेंसिल से शेडिंग किया है। अब बाउल का जो अंदर का पार्ट होता है, जब हम बाउल को देखते हैं तो एक साइड से लाइट आता है, तो जो अंदर का पार्ट होता है जिस साइड से लाइट आ रहा है उस साइड में डार्क शेडिंग करना है हमें, तो उसके अपोजिट साइड लाइट रहेगा। देखिए, जो बाउल के बाहर के साइड मैंने लाइट किया उस साइड में डार्क शेड कर रहा हूँ मैं, और जो बाहर के साइड में डार्क शेड आया है उस साइड लाइट रहेगा। इस तरीके से ये बाउल को हमें शेडिंग करना है। बाउल है इसलिए वाटर कलर, मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ले फिलअप कर रहा हूँ। तो मैं बाउल को जिस साइड में डार्क टोन ने पेंसिल से किया था उस साइड में ऑरेंज कलर फिलअप कर रहा हूँ। ऑरेंज कलर पूरा फिलअप नहीं करना है, लगभग बाउल के ऊपर 60% मैं ऑरेंज कलर 60% कलर फिलअप कर रहा हूँ। इसके बाद मैं वाइट कलर लिया है, प्लेन वाइट कलर लिया है, हल्का सा उसमें ऑरेंज कलर मिक्स किया है, और वो जिस साइड हमें बाउल के ऊपर लाइट चाहिए उस साइड में मैंने इसे फिलअप कर लिया। अब इन दो कलर के बीच में हम ऑरेंज कलर ऑरेंज इसे वाइट की तरफ में मिक्स करते हुए जा रहा हूँ। उसके बाद ब्रश को मैंने पानी में भिगो के क्लॉथ से ड्राई करके इसे मैंने मिक्स कर दिया है दो कलर के बीच में। उसके बाद जो अंदर का पार्ट है सेम ऐसा ही इसमें भी फिलअप करेंगे, एक साइड से ऑरेंज कलर और दूसरे साइड से हम वाइट कलर फिलअप करेंगे। फिर ब्रश को पानी में धो के उसे ड्राई कर उनको मिक्स करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इस तरीके से हमें कलर को मिक्स करना है। देखो, मैंने एक साइड से ऑरेंज किया है, दूसरे साइड से वाइट किया। अब पानी में ब्रश को भिगो के उसे क्लॉथ से ड्राई किया, फिर उसके बाद उसे मैं मिक्स कर दिया है। इस तरीके से हमें मिक्स करते हुए जाना है। उसके बाद मैंने प्योर वाइट कलर लिया है, और जिस साइड से हमें लाइट आ रहा है उस साइड से मैं वाइट से इसे थोड़ा सा लाइट कलर फिलअप कर रहा हूँ। ऐसे सेम साइड भी करते चार। इस तरीके से हमने ऑरेंज और व्हाइट कलर को मिक्स करके लाइट और डार्क हमने लिया है।
बच्चों आपको भी ऐसे ही ड्राइंग बनाना है। ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर एक बाउल होगा पेंसिल शेडिंग का, एक होगा पोस्टर कलर का। थैंक यू।